देखिए, हमें ए इक्वल टू ए सिद्ध करना है और ये ए इन बी के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। इसको हम सबसे अच्छे तरीके से जो हम करेंगे इसको, मतलब यहाँ अपना टारगेट रखो उसको समझने का कि आप एक्चुअल में ऐसी चीज है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से दो सेट बनाएंगे, एक सेट ए और एक सेट ए और, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, फिर निकालते हैं हम ए माइनस बी। ए माइनस बी कौन सा होगा, ये वाला आपका एक तरह से ए माइनस बी ये वाला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इन दोनों का यूनियन क्या होगा, हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है, अच्छा बी माइनस ए, ये हो गया। किसके साथ यूनियन लेनी है, इसकी ए के साथ। ए पूरा कौन सा है, ये है ना, इसके साथ यूनियन सारा मिला के क्या बन जाएगा, यूनियन क्लियर हुआ। एक दूसरा मेथड ये हो सकता है, अगर हम इसकी राइट हैंड साइड लें पहले वाले की, लेकिन वो बहुत टफ चीज है। सर वो इधर करके जाएंगे कि मोबाइल में कौन से तरीके से कर रहे थे, ऐसे करते हैं इसको, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसको फिर ऐसा होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी आएगा ना, ठीक है, और ए का और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन यही रहेगा ना जी। बात यानी कि आप ये माने कि ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन, और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ये वाला हो गया, और ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही हिस्सा बचेगा ना, क्लियर हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, ये यस क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं, नहीं यस सर सारा बी ले लो और बी का कॉम्प्लीमेंट भी सारा ले लो, क्या जगह भाई, ये तो सारा बी और इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, सारा पार्ट आ जाएगा, ये बी भी ले लिया सारा ले लिया, और सारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यू, और ये क्या आएगा, ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, बी माइनस ए, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं, बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन ए का ए कंप्लीटमेंट, यूनियन तो लिखते देखते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए ए यूनियन यूनियन ए बी का कंप्लीट कंप्लीमेंट।
ठीक है, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनिवर्स यू, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए यूनियन बी। क्लियर ए हो गया। एक दूसरा तरीका और देखते हैं करके उससे हो जाए। सर, ये कैसे वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? ये वाला ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये नहीं, ए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका ए हुआ, ये बी, ए तो सारा ये हो गया, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है इसका, सारा ये सारा ही पोर्शन गया है, तो इसलिए तो ये हो गया। एक हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अगर एक्स इसके अंदर है, क्या हो सकता है, तो एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी या एक्स बिलोंग टू ए माइनस, सर, ठीक है, इसमें भी हो सकता है, और इसमें इसमें भी हो सकता है। अब अगर इसमें है तो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो दोनों में होगा, और अगर एक्स इसमें बिलोंग करता है तो देयर इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए, लिख सकते हैं एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो उसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, और ये एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। ए यूनियन बी दीजिए। एक्स बिलोंग टू अगर शेयर हो तो ए यूनियन बी एक्स बिलोंग टू ए यूनियन ऐसे बस इतना नहीं समझते, ठीक, क्योंकि इसमें ज्यादा घालमेल करनी पड़ेगी, वो हमें जरूरत है इसी। क्यों सर, ये सही नहीं है? अच्छा, ए सिद्ध करना ना, बी खत्म करना ना, मैं यहाँ पे अगर इनमें भी सिद्ध करना होता फिर हो जाता। यहाँ पे जो आया था यहाँ पे समझ लो, हमारे पास क्या आता, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी आ गया, देखो ठीक है, या एक्स बिलोंग टू ए होगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, इसी के ऊपर लिखा आपने, इसमें से अगर हम एक्स बिलोंग टू ए ले लें, ठीक है, तो और एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, क्या दोनों चीज सत्य हो सकते हैं इकट्ठी, नो बताओ, पॉसिबल सर, नहीं है ना कि एक्स ना तो बी में हो ना ए, बी में है भी और गलत नहीं भी है, नहीं दोनों चीजें गलत हो गई, भी तो इसका मतलब ये है कि सीधा एक्स जो बिलोंग करेगा वो एम ए में करेगा, ठीक है। अब हमने एक चीज बताई थी, अगर हमें दो सेट ए बराबर बी प्रूव करना है तो हमें ए सबसेट बी प्रूव करना पड़ेगा और फिर बी सबसेट ए। ठीक अब हमने जो राइट हैंड साइड थी वो सबसेट तो कर दी लेफ्ट हैंड साइड के, क्योंकि इस उस सारे झंझट से ए आ गया। अब ए से ये बनाना मुश्किल है, है इक्वेशन
भाई सिंपल, आपके पास ए है, ए से कैसे ट्राई करोगे सारा, ये कहाँ बी लेना, कहाँ कैसे लेना, ये है ना मुश्किल। तो इसलिए हम जो हमने दो मेथड किए हम उससे करेंगे। दिखाओ क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा ये नाइन यस सर, ये तो करा दिया। पढ़ा तो होगा, हो जाएगा। वेन डायग्राम से क्या सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन ए नहीं हो जाता अपने आप। यस सर, ये तो हो जाएगा, लेकिन फिर इंटरसेक्शन बी भी तो है। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला डायग्राम से बताऊं, कैसे बताऊं उसको। दोनों मेथड से बता लो। ये ए है, ये बी बी, ठीक है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये वाला है, यस सर, और किसके साथ यूनियन लेनी, इसके पूरे ए के ए के साथ। साथ। तो क्या आ गया, ये ए ही नहीं आ गया, ठीक है। और एक उससे कर लेंगे एक्स बिलोंग टू। एक्स बिलोंग से तो फिर वही आएगा ना, आपको फिर ज़्यादा तनाव ना करना पड़ेगा, कि हमें जरूरत यहाँ करने की है, क्योंकि आप ये लेफ्ट हैंड साइड से सबसेट ए तो कर दोगे, लेकिन ए सबसेट है उसमें फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें बी इंक्लूड आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से और करके देख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इससे क्या आया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यस ये सारा क्या है, ए यूनियन बी सर, ये वाला, और ये इतना क्या है, ए। ए ये आपने गलत अटकाया था, आपने यहीं पे अटका ऐसे। ये वोल्ट किस क्या जाएगा, ए क्या जाएगा, ए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए क्या जाएगा, ए ही हमारा। और कौन सा क्वेश्चन, चलो ऐसे तो मैंने कर लिया था, कौन सा क्वेश्चन है ये, ऐसे कर दूंगी यही तक ही कर जाती हूँ। अच्छा, ये लिख के वेन डायग्राम इनका जो सही तरीका इम्प्रूव करने का होता कि हमें प्रूव करना था इन्हें इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए प्रूव करना, ठीक है। पहले तो हम इसके क्या करेंगे, यहाँ एक्स कंसिडर करेंगे, इसको एक्स को ए में दिखा दें, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए, फिर हम एक्स को कंसिडर करेंगे ए में, और फिर हम ये बना देंगे, और फिर हम दिखा देंगे कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करके दिखा देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ए
सबसेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगी, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। ये सबसेट ए का है, ए इसका सबसेट है, इसलिए ए इक्वल टू ये प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है ना, हमारे एग्जाम में इस तरह कोई चीजें आएंगी, ये सिर्फ समझने के लिए है कि हाँ ये कुछ प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है एक्स बिलोंग टू? हाँ पहले क्या करेंगे, एक्स इसके अंदर मान लेंगे, फिर इसमें दिखा देंगे, फिर एक्स को इसमें मान लेंगे, फिर इसमें दिखा देंगे, ठीक है। ये चीज सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि एग्जाम में नहीं हमारी इस तरह क्वेश्चन कोई आएगा, हमें तो सिर्फ हम अपना, हमें एग्जाम में क्या है, वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, आप जो है वेन डायग्राम का यूज करके, ये जैसे डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह है, हम उनका यूज करके करा सकते हैं। और कोई है क्वेश्चन? ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ठीक है, और हमारा ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ये बोलो। अगर दोनों बराबर हो, अच्छा छुट्टी करना हो जाता नहीं सर, एग्जाम एग्जाम नहीं है, पता नहीं, एग्जाम तो है। टीचर तो खड़े हो बाहर, नौकरी तो एक वो दिखावा लेने का है।
तो फिर कुछ बच्चों का ही होगा फिर। रहने दो कुछ, ठीक है। ट्वेल्थ में तो सर मेरे पास है बुक, ट्वेल्थ की और सब बुक की है। एनसीईआरटी ले लो, हर सब बुक शर्मा की। पुरानी तो है नहीं, नहीं है। दिखा दूंगा आपको, ला दूंगा। दो क्लासेस लोगे सर आप? मैं तो क्या चाहिए,
सर लेने तो दो ही पड़े क्योंकि पहली बार लग रहा था कुछ 3 बजे से 3:30 फिर कल को नहीं लेने दिया। ना नाइन्थ इसके लिए कोई ऐसा तो कोई उन्होंने प्रॉपर ऐसे कैसे क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन वैसे नहीं है एक मेथड में किए जाते हैं क्योंकि सेट्स के काफी कुछ जो है ना कंसिडर करने पड़ते हैं। तो जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है आपका दिया सो दैट मैंने इतनी गर्मी में पढ़ाई भी होती है तो पंखा ऊपर चलता रहता है तब वहां पढ़ाऊ मैं एमएस कॉलेज में जाकर वहां मुझे थकावट नहीं होती पंखे उनके तेज चल रहे तेज हैं। चले वहां से। अभी एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो मैं फिर रूम चेंज कराऊंगी। इंटरसेक्शन बराबर ए इंटर सी नीड नॉट इम्प्लाई क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या कह रहा है भाई। मतलब सेट बी और सेट सी इक्वल है। ये कह रहा कि अगर ये इसके बराबर है तो जरूरी नहीं है रीड नोट ये जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी हो। देखो ए तो दोनों में हो गया अलग क्या है बी और सी। और ये कह रहा कि अगर ये इंटरसेक्शन दोनों बराबर है तो जरूरी नहीं है कि बी सी के बराबर हो। बराबर देखने में तो अच्छा लग रहा है कि भाई जब ए का इंटरसेक्शन दोनों के साथ लिया जा रहा अलग अलग और वो कह रहा है कि दोनों बराबर है तो बी बराबर सी होना चाहिए ये जरूरी नहीं है इसने ये कहा। कैसे इसने दिखा लेट ए बराबर एक सेट हमने लेंगे 0 और 1 बी बराबर हमने ले लिया 0 2 3 एक सेट और सी बराबर हमने ले लिया 0 और 5। कहने का मतलब है कि इसने एक एलिमेंट को क्या रखा है कि जो सभी में हो इस तरह कंसीडर कर लिया हम। यहां से अगर हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या है जीरो और ए इंटरसेक्शन सी जीरो ये और ये दोनों इक्वल हो गए यस बट ये बी अलग है और सी अलग है अलग। आपकी दोनों में अलग है। ये ऐसे भी हम कर सकते हैं सपोज करो ए बराबर 1 2 बी बराबर 2 3 और ले लो सी बराबर 5 6 और 7 ले लो। ठीक है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा टू और बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा भाई। लेकिन कंडीशन वहां सेटिस्फाई नहीं हो रही हो रही। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी सेट ले लें तो जो है ना कंडीशन दी है सेटिस्फाई नहीं हो रही। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 है तो बी इंटरसेक्शन सी भी क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। वो 2 कब आओगा कम से कम एक एलिमेंट इसमें भी 2 हो। ठीक है और ये भी 2 आ जाएगा फिर वही बी और सी अलग अलग हो गए। यानी कि एक एलिमेंट तीनों में हमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं भी है ए बराबर मान लिया 1 2 ले लिया हमने ठीक है बी बराबर हमने 3 और 4 ले लिया सी बराबर हमने मान लिया 5 और 6 ले लिया ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हाय
और बी इंटरसेक्शन सी बराबर, दोनों इक्वल हो गए। ये प्रूव कर रहा है कि बी बराबर सी है, ठीक है, समझ में आई। बराबर ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी, यहाँ से भी फाई आया और यहाँ से भी फाई आया, लेकिन ये दोनों प्रूव करता कि बी बराबर सी है। सर वहां पे तो आपने ले लिया कहाँ? बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी ले लो, इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी वही आना। सर ये बी बराबर सी तब भी नहीं होगा, कहने का मतलब ये है इसमें ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, क्लियर। तो और ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल होंगे, अगर ये सारा इक्वल है सर। अगर हम भी इंटरसेक्शन सी करें फिर भी फाई आ रहा इसमें कौन से वाले में, इसमें माइनस ये, इसमें बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत नहीं है, मतलब पहले कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना यार। ये तो लेकिन कहने का मतलब ये है अगर कहीं ये रिलेशन दिया हुआ है तो उसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि बी बराबर सी है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, समझ रहे नहीं। जैसे कि अगर हम ये लिखते हैं कि x प्लस टू बराबर y y प्लस टू, तो यहाँ क्या x बराबर y है, बताओ, कन्फर्म है ना बिल्कुल, क्योंकि इनके बीच में प्लस साइन लग रहा, तो ये अगर वाई बिल्कुल लग कह रहा रहा कि x बराबर y है, लेकिन यहाँ इसने इंटरसेक्शन लगाया ये और ये इसके बराबर। अगर मैं यही इसे ऐसे लिख दूँ कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, बी बराबर सी निकल रहा है बिल्कुल, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में ऐसा नहीं नहीं। यूनियन नहीं होगा। अगर ये भी यूनियन यूनियन हो में भी जरूरी नहीं है, इन्हीं सेट को ले लो आप, लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले बराबर होने चाहिए यूनियन में। अगर यूनियन बराबर होगी तो फिर तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से निकाल लो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और ए यूनियन सी क्या होगा, 1 2 5 6, क्या दोनों बराबर हैं बराबर, तो इसलिए ये कंडीशन, पहले ये कंडीशन बनानी पड़ेगी ना, तभी तो हम देखेंगे कि वो आएगा नहीं आएगा। अब वह कंडीशन कब बनेगी, कम से कम ये भी 3 4 हो, अब अगर ये 3 4 हो गए तो फिर तक ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा वो, इसका मतलब तो बी ए की है, सेम है, ठीक है। रिलेवेंट क्वेश्चन है, करना चाहो मर्जी तुम्हारी, लेकिन इस मुझे लगता नहीं कोई इसका बेनिफिट है, क्योंकि इसमें आपको कंसिडर ही करना है, मान के ही चलना पड़ेगा।
देख लो एक और क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें जो क्या दिया हुआ उसने है, लेट ए एंड बी टू सेट है, यदि ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स क्या है, कोई एक सेट है ठीक है, बराबर हो बी इंटरसेक्शन एक्स के, और ये किसके बराबर हो, फाइव। जैसे हमने एक सेट में हमारे फाइव आ गए थे ना, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक्स इनके कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं, नहीं है, जब तो फाइव आ रहा ना, ए और एक्स में कोई कॉमन नहीं है, बी और एक्स में कोई कॉमन नहीं है, बराबर फाइव है। एंड दिया हुआ है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन, एक्स ठीक है, फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए बराबर बी। क्या दिखाना हमें, ये हमें शो करना है कि ए बराबर बी है, ठीक है। हिंट क्या है इस क्वेश्चन को करने का, ये हम सबसे पहले ए को क्या कंसीडर करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, मान सकते हैं नहीं, इसमें भी तो एक बार कंडीशन दे सके हम 10 10 में, में कैसी कंडीशन, ये वाली वहां जैसे फाइव दे दिया जैसे ना उसको, मान वहां फाइव दे दिया ना उसके इक्वल, लो। अगर फाइव उसमें भी दे देता है ऐसा हो तब तो चल जाता काम हमारा। अच्छा ठीक बी बराबर क्या मान सकते हैं इसी तरह। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने बताया है क्या वास्तव में सत्य है, ये बताओ, है। डायग्राम बना के देखते हैं। ये बराबर बी बराबर लिखते हैं, इन्हें आपस में क्रॉस कर दिया करो एक दूसरे को, तीन सेट बनाओ ए बी और एक्स, या ए और एक्स ही बना लो पहले, तो एक सेट को ए मान लो, एक को एक्स मान लो, यूनियन सारा ही हो गया ये मुझे लग। ठीक है, और इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना, क्या आ जाएगा, दो दो इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, पूरे ए के साथ लेना है, ए कहाँ तक है सर,
के साथ लेना है, ए यूनियन अच्छा ए यूनियन एक्स को आपने पहला बना दिया, अब ए कौन सा है? बात तो एक्स। सारे तो करो, जहाँ जहाँ ए है ये तो डबल लाइन है, कितने पार्ट्स भाई? सारे भाग ना ए भाई, तो ये ये बराबर बराबर है ना, ये बराबर, है, यस पॉसिबल है। ये इसी तरह का है जैसे मैंने एक बताया था आपको, डिजॉइंट सेट किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी एलिमेंट इक्वल ना हो, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन मतलब ना हो, कॉमन ना हो। डिजॉइंट सेट। ए माइनस बी एक सेट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, है जो ना? तो इनसाइड कि इस तरह शो करते हैं इनको, ये इतना जो पार्ट है ये ए माइनस बी, ये इतना है, ए पार्ट है बी माइनस बी, माइनस ए, और ये हो ए इंटरसेक्शन। गए ना डिस्जॉइंट। और इसमें हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए के नहीं हो, है ना भाई? ये पार्ट ए माइनस बी हो गया, ये इंटरसेक्शन बी हो गया, तो ए के इक्वल है। बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए। तो उसे कई तरह से हम ये सारी चीज हमें जो है मतलब डायग्राम की हेल्प से हम इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक यस सर। कोई सी एक ले लो हम, सपोज करो हम ए बराबर क्या लेके चलते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, ठीक है। अब ए यूनियन एक्स बराबर क्या है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इस पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएं क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन एक्स। ये बनेगा ना ए इंटर सेक्शन एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू फाइव। फाई के साथ इसका इंटर यूनियन लेंगे क्या आएगा, नहीं यूनियन है इंटरसेक्शन नहीं है, इसके साथ क्या ले रहे हैं हम, यूनियन। यूनियन तो यूनियन में तो झुका तो ए इंटरसेक्शन बी रह जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेते हैं बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है। बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स क्या लिख सकते हैं, यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू क्या है, फाई, फाई है ना, ये दे रखा, ये इक्वल किस पे आ जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, नहीं बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी है, ए बराबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल टू, ये ही प्रूफ करना। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमने
बी यूनियन एक्स को ए यूनियन एक्स में चेंज क्यों किया? सोचने वाली बात है, नहीं चेंज क्यों कर रहे हैं? चेंज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि, नहीं ये ए यूनियन एक्स को बी में क्यों चेंज कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं हम इसको यहाँ पे चेंज ये वाला, ताकि हम ए इंटरसेक्शन हमारा बी के साथ बन सके। तो ए को बी में चेंज करेंगे, जैसे वहां हमने बी को ए में चेंज किया। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसलिए लगाएंगे क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ना लगाए तो यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाने से इंटरसेक्शन भी अलग हो जाएगा और एक्स के साथ आपकी इनकी इंटरसेक्शन चली जाएगी। ठीक है, लिखना हो लिख लो क्योंकि इसका सोल्यूशन मुश्किल है, कहीं भी मिल जाए आपको। हो गया सर, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 यस सर। है क्या क्वेश्चन नंबर? बताओ, पढ़ते हैं
intersection B, B intersection C, and A intersection C are known empty sets, and A intersection B intersection C is equal pi. नॉन-एम्प्टी सेट का मतलब जैसे इसलिए बता दें नॉट इक्वल फाइव, नॉट इक्वल फाइव, यानी कि हमें ऐसे सेट निकालने हैं कि उनका इंटरसेक्शन नॉन-एम्प्टी ना हो, ये कह रहा ना हो। अगर हम मान लिया एक सेट ए बराबर 1 2, बी बराबर 3 4 और सी बराबर 5 और 6 मार्क, तो कंडीशन क्या दी उसने, ए इंटरसेक्शन बी कैसा होना चाहिए। यहां से अगर हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, यही बात कह रहा हो, क्या कह रहा हो। हाँ, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। मान लिया हमने यहाँ भी 2 ले लिया, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बी इंटरसेक्शन सी भी ऐसा हो कि वो 5 के इक्वल ना आए, तो यहाँ 4 मान ले, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी भी किसी के इक्वल ना आए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में 5 ना आए, तो ए और सी में कुछ कॉमन होना चाहिए, क्या करें, इसको ऐसे लिख ले 2 6 मान लो, ठीक है, आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी। अब क्या कह रहा हो, तीनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है निकालना, अगर यहाँ हम 1 ले लें, कंडीशन तो तब भी सारी सेटिस्फाई है हमारी, या कहीं हो रहा गड़बड़। नहीं, देखो ठीक है ना, अभी ये गलत हो रहा, बी इंटरसेक्शन सी में नॉन एम्प्टी नहीं है क्योंकि 4 तो कॉमन है ना, ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, 1 है, ये भी नॉन एम्प्टी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, 2, तो ये भी नॉन एम्प्टी हो गया। एंड अब ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई एक एलिमेंट कॉमन है जो तीनों में हो, 5 भी आ गया ना, ये भी कंडीशन उसने दे रखी थी, ये भी देख लिया हमने, ये भी चेक कर ली, ऐसे वो सेट बनवा रहा था, कैसे सेट बताइए, ये इसका आंसर ऐसे लिख से क्या मतलब, ये वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से नहीं होने गई, वो सेट कह रहा ना कि ऐसे सेट बनाइए। अब सेट तो भी बनाएगा ना जब उसके अंदर कुछ एलिमेंट लेंगे हम, बुक में होगा, बुक में जरूरी नहीं यही सेट हो, कुछ और ले सकता है, 0 1 2 3 ले सकता है, हाँ, तो एक्स वाई फिर आपको वही लेने पड़ेंगे ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी लेने पड़ेंगे, मतलब ये हमें सेट हमें इस हिसाब से बना के चलेंगे ताकि हम कंडीशन हमें सेटिस्फाई करते चलें। जैसे सपोज करो मैंने ए बराबर ले लिया, ए बी ले लू, ठीक, बी बराबर मुझे ले लिया मैंने सी और डी, और सी बराबर ले लिया बी और एच। पहली कंडीशन कह रहा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा, फाई आ रहा, फाई आने के लिए क्या करें हम,
इसमें बी एलिमेंट लिखते हैं को हम, चलो हटाते हैं। फिर कह रहा कि बी इंटरसेक्शन सी क्या आना चाहिए, ये भी फाइन होना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, तो इसमें डी और लिख दे, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी भी फाइन होना चाहिए, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, तो हम चाहें यहाँ पे आप ए लिख दें, ठीक। इन सब का इंटरसेक्शन अगर हम निकाल ले, क्या कोई एलिमेंट आता है जो सारों में हो, कहाँ है, बी इसमें है, इसमें, इसमें नहीं, ठीक है। दोनों तो ये भी हमारा एक ऐसा सेट बन गया। हाँ, अगर यहाँ एक ही जगह बी मान लोगे आप, फिर हमें ये हटाना पड़ेगा। ये तो हमें अपने आप यस सर। ट्रायल और एरर के माध्यम से करना है ना, तो ये भी इसका आंसर है। कितने सेट हो सके इस तरह के, इनफाइनाइट सेट हो सके, पता नहीं कितने सेट बन गए किन्हीं नंबरों को लेकर के, ठीक है। ये 1 2 3 4 ए बी सी डी समझाने के लिए ले सकते हैं, अन्य आगे यहाँ ले लो 510 515 516 518 520 इस तरह ले सकते हैं, कोई ऐसा बैन थोड़ी, तो इनफाइनाइट बनेंगे। एक यस का सर। अरब संख्या ले लो, 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो सेट बनेंगे इनफाइनाइट। यस सर। और कोई क्वेश्चन है इसमें, इसमें नहीं है सर, इसमें रिलेशन ऑफ देखो क्वेश्चन नंबर 9 2.2 का। आ जाती है मेरे। आपने ये भी नहीं बताया हाँ, तो बताओ, मैं छोड़ दिया था ना, मना कर लिया। फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन पॉलीनोमियल सारे रह रहे अभी हैं। फंक्शन ये क्वेश्चन है, लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। एक रिलेशन क्या है आर, किस पर है वो, ऑन जेड, डिफाइन बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी क्या है, इज इंटीजर एन इंटीजर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, क्या फाइंड करना है उसका, एंड अब आप क्वेश्चन में देखो, पहले ये जो उसने रिलेशन लिखा है बोर्ड की तरफ देखो, क्या समझ में आ रहा है इससे, और ए माइनस बी देने से क्या फायदा हुआ है यहाँ पे, वो भी एक इंटीजर है।
अगर ये ए माइनस बी ना लिखता तो कोई फर्क पड़ता इस चीज से। ए माइनस बी टैन टू बी जो क्या इस रिलेशन पर कोई प्रभाव पड़ता अगर वो ए माइनस बी इज एन इंटीजर लिखता हो? भाई जब मैं ए और बी की वैल्यू कहां से लेनी है? इंटीजर से इंटीजर से लेनी है। वो इंटीजर है इंटीजर लेंगे कुछ भी, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्लियर है? अब वो ए माइनस बी अगर हम करेंगे, कोई भी दो इंटीजर लेंगे, वो ऑलरेडी रहेगा क्या? एक इंटीजर रहेगा, यह बदल जाएगा वो। तो अगर हम इसके एक तरह से ऑर्डर पेयर बनाए, ठीक है, मान लिया हम नंबर लाइन पे राइट साइड में चले, इसका भी वन ले लिया, यहाँ से टू ले लिया, यहाँ से टू ले लिया, या वन ले लिया, या थ्री ले लिया, या फोर ले लिया, तो रेंडमली हम जितने भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे सब में क्या आने हैं? इंटीजर डी आने हैं, इसके अलावा कुछ और आ जाएगा। तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा ना, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा? इंटीजर जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट के उनको डोमेन बोलते हैं ना, यस सर और इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर ठीक है, तो डोमेन भी कितना है इसका? इंटीजर। और रेंज भी क्या है? आंसर हो डोमेन एंड रेंज तो पूछ रहा हूँ ना। यस सर ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन तो खत्म हो गए होंगे, या और कोई क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, हाँ अगले फिर इसी के लिए हम कुछ खरीदते वो हैं ग्राफ है, क्वेश्चन तो और कोई नहीं रहा। ठीक है अभी एक्सरसाइज किया है 2.3 ठीक है, पोटेंशियल का।